अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है वाउल। वाउल क्या होते हैं? ऐसे स्पीच साउंड्स जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा माउथ भी ओपन रहता है और हमारी टंग माउथ के मिडल में रहती है, यानी कि वो ना टीथ को टच करती है ना ही अपर और लोअर को टच करती है, बल्कि मिडल में रहती है। और लिप्स और टीथ भी आपस में टच नहीं करते। जो ऐसे लेटर्स हैं उनको जब प्रोनाउंस करते हुए ये सारी सिचुएशन रहती है, उसको हम वॉवल कहते हैं। यानी कि जब हम वॉवल साउंड्स आर्टिकुलेट करते हैं, उनको बोलते हैं, तो हमारे मुंह की शेप तो बनती है लेकिन टच नहीं होता। आर्टिकुलेटर्स होल्ड अ शेप बट डोंट टच। माउथ शेप तो बनती है लेकिन कुछ भी टच नहीं होता। ऐसे लेटर्स या ऐसे साउंड्स को हम वाउल बोलते हैं। और कौन कौन से होते हैं वाउल साउंड्स? ए, ई, आई, ओ, यू। आप इनको प्रोनाउंस करके भी देख सकते हैं कि ए जब हम बोलेंगे तो हमारा कुछ भी आपस में टच नहीं होगा। ई भी हम बोलेंगे तब भी यही काम करेगा, ई, आई, ओ, यू, तो हमारा टच नहीं होगा कुछ भी। ये आप प्रोनाउंस करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वॉवल क्या काम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? इन्हें कॉन्सोनेंट्स को जोड़कर वर्ड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। कॉन्सोनेंट्स में यूज किए जाते हैं ये। किस तरह से? जैसे उर्दू लैंग्वेज में जेर, जबर, पेश का यूज होता है ना, उसी तरह से इंग्लिश में वॉवल्स का काम है। किस तरह से? अगर इसकी एग्जाम्पल्स में देखूं, डर्टी, प्रॉपर, अगर इन वर्ड्स से मैं वॉवल्स अलग कर देती हूं, इससे भी क्या किया हमने? इन वर्ड्स से वॉवल को अलग कर दिया, ठीक है। अब आप इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं इजीली, डी आर टी वाई, कोई समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या वर्ड है। तो अब इन्हें बोलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लग रहा है। तो इन्हें ठीक से बोलने के लिए कोई ना कोई वॉवल इसमें यूज करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में से अगर वॉवल्स निकाल दिए जाएं तो वर्ड्स बना ही नहीं सकते हम। तो समझ आ गई कि वॉवल्स किस कदर इम्पोर्टेंट हैं। ये जैसे कि उर्दू लैंग्वेज में जेर, जबर, पेश का यूज किया जाता है उनको ठीक से बोलने के लिए, यानी कि वो उर्दू लैंग्वेज को, उर्दू वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से वॉवल्स इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट लेटर्स से मिलाकर उनको ठीक तरह से प्रोनाउंस करने में हेल्प करते हैं। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।